पन वसुदेव के अंदर भगवान सर्व कला से वो प्रकट हो जाते हैं, बोलो नारायण भगवान की। और उसके पश्चात सुंदर सत्व गुण से संपन्न देवी स्वरूपिणी देवी देवकी ने भगवान को धारण किया है, अपने उदर के अंदर कंस को सूचना मिली है, आठवां बालक आ चुका है और कंस आया है। कंस ने जब अपनी बहन देवकी को देखा, देवकी चमक रही है, वो पहले भी इसको बच्चे हुए ये चमक नहीं रही थी, अब जरूर ये मेरा विष्णु काल आया है, कितना चमक रही है, कितनी तेजस्वी हो गई है, कितना प्रकाश इसके चेहरे पर है, लगता है इसके चेहरे के प्रकाश से सारी ये जेल भी जगमगा रही है। और कंस ने हथकड़ियां और बढ़ा दिया, पहरेदार और बढ़ा दिए, ताले बड़े बड़े और लगवा दिए और सूचना कर दी, जब भी बच्चे का जन्म हो तुरंत पहली खबर मुझे मिली। और बड़े आराम से वसुदेव और देवकी 9 मास परिपूर्ण होने को आए हैं और सारे देवता भगवान की स्तुति करके जाते हैं। भगवान आप सत्य स्वरूप हैं, हर युग युग में आपने अनेक रूप धारण किए हैं, अब जल्दी से आप प्रकट हो जाइए और इधर धर्म की स्थापना करें, हम देवताओं को सुख प्रदान करें। देवता स्तुति करके चले जाते हैं और सुंदर शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बड़ा आनंद, अब भगवान के अवतार आने का समय आ चुका है। जैसे ही भगवान के अवतार होने का, उनके प्रकट होने का जैसे ही समय आया है, उस समय पृथ्वी लोक में कैसा आनंद छाया है, माता पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो गई और दिशाएं स्वच्छ निर्मल हो गई, हवा शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, आकाश निर्मल हो चुका है, सरोवरों का जल अचानक निर्मल हो गया। और उस समय कोयल, अनेक हंस, सुंदर सुंदर पक्षी चहचहाने लगते हैं और सहसा ऋषि मुनियों का मन आनंदित हो उठा, सब दौड़ने लगे वहां पर जहां पर गोकुल धाम स्थित है, सब दौड़ते दौड़ते आते हैं और बड़ा आनंद स्वर्गलोक में कैसा है, सब देवी देवता इकट्ठे, क्योंकि भगवान का स्वागत तो सभी करते हैं। स्वर्गलोक में सब देवता, गंधर्व, अप्सराएं, नृत्य, गान, बाजे बज रहे हैं, आनंद हो रहा है और बड़ा सुंदर भगवान के आने की तैयारी है। भादो का महीना, कौन सा महीना है, श्रावण खत्म हो गया, पूर्णिमा के दिन मतलब रक्षाबंधन को, और भादो की अष्टमी तिथि, आज कौन सी तिथि है, कौन सी है, सब हमको बोलते श्रावण तो अमावस्या में पूर्ण होती, हिंदू ने माचो भाई असा में पूर्ण होती हो पूर्णिमा, भादो श्रावण खत्म हुआ 20 तारीख को मतलब रक्षाबंधन, आज कौन सी तारीख है, 28, भादो महीना प्रारंभ और अष्टमी तिथि है आज, रोहिणी नक्षत्र और ठीक रात के 12 बजे, अभी क्या बजा है समझना पड़ेगा, और ये समझना हम लोग सब कहां बैठे हैं, गोकुल नगरी के अंदर, और इस समय हम क्या है, इस समय हम सब गोपी और ग्वाल है, सब भगवान के, हम लोग सब भक्त ही, हमेशा अपने आप को समझा करो हम भगवान के भक्त हैं। धीरे धीरे इससे क्या होगा, ठगक होने की आदत कम होती जाएगी, फिर शर्म लगेगी ना, हम भगवान के भक्त हैं। तो भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और ठीक ग्रह नक्षत्र वार तारे सब शुभ ही शुभ हो गए हैं और रात के ठीक 12 बजे हैं और उसी समय निशी से कम उद्भूत जाए माने जनार्दन देवत्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय, और निशी 12 और रात्रि का 12 ये संधि काल हुआ करता है और उसी